लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। अब यार लेकिन मुझे भी ना ये जरूर लगता था कि यार मेरा हेयर फॉल तो जेनेटिक है, मतलब मेरे नाना के बाल नहीं थे, मेरी फैमिली में बहुत मेल्स गंजे। तो इसी तरीके से आप में से भी बहुत लोग बोलोगे कि भाई जेनेटिक है मेरा तो हेयर फॉल, रुक ही नहीं सकता। तो ये ना एक मिसकंसेप्शन है उन लोगों में जिनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस है मेरी तरह। तो यार देखो जेनेटिक हेयर फॉल भी जो होता है ना उसकी 7 स्टेजेस होती है, एंड इसमें से अगर आपको स्टेज 1-4 के बीच में कोई है तो आपका हेयर फॉल मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर उसके आगे के स्टेजेस है तो हेयर ट्रांसप्लांट ही आपका इकलौता ऑप्शन है। अब कुछ लोग स्पेशली यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं नहीं प्याज लगा लो इन स्टेजेस में भी ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, जो सच है वो सच है, मैं सिर्फ साइंस की ही का ही साथ दे सकता हूँ। एंड यार मेरा जो हेयर फॉल था वो जा रहा था फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 बहुत ग्रेजुअली। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।